हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एकदम खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी महाशिवरात्रि व्रत के लिए। यदि आपकी भी साबूदाने की खिचड़ी एकदम चिपकी चिपकी बनती है तो आप इस खिचड़ी की रेसिपी को ज़रूर देखें। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। सबसे पहले हम साबूदाने को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। तो हमारा साबूदाना धुल चुका है, तो हमें इसे भिगो के रखना है। तो करीब मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। आपको उतना ही पानी ऐड करना है कि साबूदाना बस अच्छी तरह से डूब जाए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका साबूदाना गीला हो जाएगा। इसे मैंने 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। मैंने यहाँ आधा कप मूंगफली लिया है। तो सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे, या फिर जब तक कि मूंगफली चटकने ना लगे। तो हमारी मूंगफली चटकने लगी है, मतलब रोस्ट हो चुकी है। तो मैं इसमें से कुछ मूंगफली को अलग रख रही हूँ और कुछ को मैं दरदरा पीस रही हूँ। तो ये मैंने मूंगफली को दरदरा पीस लिया है। साबूदाने को भीगे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। तो हमारा साबूदाना एकदम फूल चुका है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से दब रहा है, मतलब ये फूल चुका है। अब साबूदाने में मिक्स करना है मूंगफली को, जो हमने दरदरा पीस के रखा था। तो 3 चम्मच मैंने वो मिक्स कर दिया है। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और आधा नींबू का रस। सारी चीज़ों को मैं यहीं पर मिक्स कर दे रही हूँ ताकि हमारा साबूदाना बस रेडी रहे फ्राई होने के लिए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच जीरा, हरी मिर्च और 10 से 12 करी लीव्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ एक उबला हुआ आलू, उसको काट करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम उबला हुआ आलू लिए हैं तो वो ऑलरेडी पका है। तो आपको बस इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, या फिर जब तक कि थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मूंगफली, जो हमने भून के रखा था। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे साबूदाना। तो साबूदाने में मैं पहले से ही मूंगफली क्रश करके काली मिर्च का पाउडर और नींबू का रस ऐड किया है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस साबूदाना ऐड कर देंगे। उसके बाद सेंधा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। आप इनमें से जो भी चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में, वो स्किप कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साबूदाने की खिचड़ी को 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढककर कुक होने देंगे, या फिर जब तक कि ये ट्रांसलूजेंट नहीं हो जाए। तो हमारी साबूदाने की खिचड़ी एकदम रेडी है, बन चुकी है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। एक एक दाना एकदम अलग अलग है, एकदम खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनी है। और आप इस तरह से साबूदाने की खिचड़ी को घर में बनाएंगे तो आपकी भी खिचड़ी कभी नहीं चिपकेगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम लास्ट में ऐड कर देंगे धनिया पत्ती और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप इस सुपर टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी साबूदाने की खिचड़ी कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।